आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस का डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसको व्हाइट कपड़ा और लेस से बनाएंगे। तो ये देखिए ड्रेस कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है और लड्डू गोपाल जी पे भी ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी तरीका बताएंगे बनाने का। तो आप सब भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले हम कपड़े का माप ले लेंगे। तो ये देखिए 30 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे और इसकी चौड़ाई 6 इंच ले लेंगे। अब जो दूसरा है उसका लेंथ 11 इंच ले लेंगे और 3.5 इंच। उसके बाद ये डोरी ले लेंगे 17 इंच और ये इसका 2.5 इंच चौड़ाई है और यहाँ पे 8 इंच और 2.5 इंच का 2 पीस ले लेंगे। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड में इसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए दूसरे साइड तक आ जाएंगे। अब साइड में भी फोल्ड कर देंगे, जैसे उस साइड फोल्ड किए थे ठीक वैसे ही इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो अब हम एकदम पास पास में इसका फ्रिल बना देंगे। जितना पास रहेगा उतना अच्छा ये बन के रेडी होगा। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। हम नीचे से लेस अटैच कर देंगे। तो लेस आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर का लेस इसमें लगा सकते हैं। तो हम गोल्डन कलर में लेस लगा रहे हैं। अब एक जो एक्स्ट्रा लेस था उसको काट के हटा देंगे और उसके बाद इसको साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों तरफ से सिलाई पक्का हो जाए। तो ये देखिए इसमें लेस लग गया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे कमर के लिए। तो सबसे पहले हम इसको भी साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और उसके बाद देखिए सीधा की तरफ से इसको लगाना शुरू करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के हटा देंगे। अब इसको फोल्ड कर देंगे ताकि इसमें हम डोरी आराम से डाल सकें। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। तो ये नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए जो कपड़ा लिए थे उसका डोरी बना लेंगे। अब चाहे तो रेडीमेड डोरी भी इसमें लगा सकते हैं। तो अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डोरी डाल देंगे। तो ये देखिए नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो हम 2 पीस लिए थे 2 कपड़ा
उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, उसके बाद सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको हम सीधा कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी रेडी कर लेंगे। और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब जो लेस हम नीचे लगाए थे सेम वही लेस हम इसमें भी अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर डाल के ऐसे लेस लगा देंगे। तो ये देखिए, एक कंप्लीट हो गया है। दूसरे को भी सेम जैसे उसमें लेस लगाया ठीक उसी तरह इसमें भी लगा देंगे। तो ये देखिए, दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हम 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और 2.5 इंच पे जहाँ से मार्क किया हुआ है वहाँ तक हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें ये अटैच हो गया है। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे मार्क करने के बाद हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, हम आपको डोरी बांध के दिखा रहे हैं। ये ड्रेस पूरी तरह रेडी हो चुका है लड्डू गोपाल जी के पहनने के लिए। तो ये देखिए, ड्रेस पूरी तरह रेडी हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना देते हैं। तो देखिएगा ये लड्डू गोपाल जी पे ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। तो आप सब भी आसानी से कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। तो ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। तो आप सभी इस होली जन्माष्टमी जब भी कोई फेस्टिवल हो तो आप खुद से ही ड्रेस बनाइए, लड्डू गोपाल जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी ये ड्रेस पहनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप सबको ये ड्रेस की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।